नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वर्ष 2022 तक के सिर पर छत के सपने को पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ते हुए सोमवार को हरियाणा मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत 210 लाभार्थियों को उनके घरों की चाबियां और आवंटन पत्र सौंपे। रक्षाबंधन के अवसर पर दोनों जिलों के लाभार्थियों को अपने घर के सपने को पूरा करने के लिए मुख्यमंत्री को धन्यवाद दिया। इस अवसर पर लाभार्थियों को बधाई व शुभकामनाएं देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि अपना घर बनना हर किसी का सपना होता है और इसे ध्यान में रखते हुए केंद्र और राज्य सरकार समर्पित रूप से 2022 तक हर परिवार को घर प्रदान करने की दिशा में काम कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा में वर्ष 2022 तक पीएम आवास योजना के लक्ष्य को पूरा कर लिया जाएगा। इस योजना के तहत कुरुक्षेत्र में 2802 और कैथल में 4880 लाभार्थियों की और पहचान की गई है। इन सभी को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान बनाने के लिए ग्रांट दी जाएगी। उन्होंने कहा कि जीवन में संघर्ष करके मकान बनाना बहुत कठिन है। सरकार ने लोगों को रोटी कपड़ा और मकान के साथ साथ शिक्षा स्वास्थ्य और सम्मान देने के लिए नीतियों में हमलीजामा पहनाने का काम किया है। अंत्योदय की भावना से काम करते हुए सरकार ने समाज के अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुँचाना सुनिश्चित किया है। पल पल चंडीगढ़ से विशेष रिपोर्ट।